जनपद शामली पहुंचे आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद संजय सिंह ने केंद्र सरकार पर तीखा हमला बोला। संजय सिंह ने मेरठ में होने वाली महापंचायत से पहले कार्यकर्ताओं से मिलने पहुंचे थे, जहां पर उन्होंने बजट 2021 पर केंद्र सरकार को घेरते हुए जमकर निशाना साधा है। उन्होंने कहा है कि तीनों कृषि कानूनों को बनाकर देश के किसानों को बर्बाद करने का काम किया गया है। तीनों कृषि कानूनों से जमाखोरी को बढ़ावा मिलेगा। ये तीनों कृषि कानून किसानों के डेट वारंट पर साइन है। बजट पर घेरते हुए उन्होंने बताया कि यह बजट देश को बेचने वाला बजट है और यह सरकार सपूतों की नहीं कपूतों की सरकार है, क्योंकि सपूत वह होता है जो अपने पूर्वजों की संपत्ति को बढ़ाने का काम करे, ना कि वो जो अपने पूर्वजों की संपत्ति को बेच दे। केंद्र सरकार ने LIC, खेल, सेल, बिजली पानी, एयरपोर्ट, बैंक आदि सब मुनाफा देने वाली कंपनियों को बेचने का बजट है। ये काला कानून किसानों के डेथ वारंट पे साइन किया है मोदी सरकार ने। पूंजीपतियों के लिए ये कानून बनाया गया है, किसानों के लिए नहीं। इसमें MSP खत्म हो जाएगी, कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग से किसानों का खेत उनके हाथों से चला जाएगा और असीमित भंडारण के कारण पूरे देश में महंगाई बढ़ेगी, जमाखोरी बढ़ेगी, कालाबाजारी बढ़ेगी। इसलिए हम लोग इस कानून के खिलाफ हैं। जहां तक बजट का सवाल है, इस बार का बजट हिंदुस्तान को बेचने वाला बजट है। इसमें रेल को, सेल को, खेल को, सड़क को, बिजली को, पानी को, BPCL को, एयरपोर्ट को, पोर्ट को, बैंक, LIC जो मुनाफे की कंपनियां हैं उसको बेचा जा रहा है। तो ये सरकार एक कपूत सरकार है, क्योंकि सपूत वो होता है जो अपने बाप दादा की, पूर्वजों की संपत्तियां बढ़ाता है, और कपूत वो होता है जो उसको बेचता है। तो आज हिंदुस्तान के 130 करोड़ लोगों के प्रयास से जो संपत्ति बनाई गई है, इस बजट में उसको बेचने का प्रावधान है। सांसद संजय सिंह ने कहा कि मेरठ की क्रांति भूमि पर एक महापंचायत है, जिसमें दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल भी हिस्सा लेंगे, और उसी के लिए मैं मेरठ, बागपत, मुजफ्फरनगर, अन्य जिलों में भी मीटिंग भी की है, और आम आदमी पार्टी इन तीनों कृषि कानूनों को वापस कराने का लगातार प्रयास कर रही है। उसमें हर जिले से भारी संख्या में किसान आम आदमी पार्टी के साथ शामिल होंगे। यह काला कानून मोदी सरकार ने किसानों के डेट वारंट पर साइन किया है। मोदी सरकार ने पूंजीपतियों के लिए कानून बनाया है, किसानों के लिए नहीं। मेरठ की क्रांति भूमि पर एक विशाल किसान पंचायत हो रही है, जिसमें अरविंद केजरीवाल जी, दिल्ली के मुख्यमंत्री, शामिल होंगे। वो उस पंचायत को संबोधित करेंगे। उसी को लेकर कल एक बैठक दिल्ली में भी है, और मैंने इससे पहले उसकी तैयारी के लिए सहारनपुर में, मुजफ्फरनगर में, शामली में, मेरठ में मीटिंगें की हैं। मुझे पूरी उम्मीद है कि इन तीनों काला कानूनों को वापस कराने के लिए जो आम आदमी पार्टी का प्रयास है, उसमें भारी संख्या में हर जिले से किसान शामिल होंगे। संजय सिंह ने पंचायत चुनाव पर बोलते हुए कहा कि आम आदमी पार्टी उत्तर प्रदेश में पंचायत चुनाव में हर सीट पर लड़ेगी, और जैसे ही आरक्षण की सूची जारी होगी, हम अपने कैंडिडेट की लिस्ट जारी करना शुरू कर देंगे। यूपी के जिला पंचायत के चुनाव में आम आदमी पार्टी सभी सीटों पर लड़ेगी। जैसे ही आरक्षण की सूची जारी होगी, हम अपने कैंडिडेट्स जारी करना शुरू कर देंगे।